नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मिल पर। आज की वीडियो में हम फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ यूनिक ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन सीरीज का एपिसोड 10 है। इसके पहले 9 एपिसोड्स जो हैं वो डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें मैंने अलग अलग प्रकार के ट्रांसलेशन डिस्कस किए हैं जो कि हिंदी से इंग्लिश में है। अगर आप भी हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये ट्रांसलेशन की सीरीज जरूर देखिए, आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कहीं वर्क करते हो और इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होने वाला है, जैसे जब आपको बोलना है कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या तुम मेरी बात मानो या ना मानो मुझे कोई परवाह नहीं है। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है, या फिर सेंटेंस रहे तुम मेरी किताब लौटाओ या ना लौटाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर एक और टाइप का संदेश हम देखेंगे, जिसमें अगर आपको बोलना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीख कर रहूंगा, या फिर आपको बोलना हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो इस तरह के जब ट्रांसलेशन हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करते हैं। तो आइए इसी तरह के ट्रांसलेशन को डील करते हैं और आपके लिए बिल्कुल ईजी बनाते हैं। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रांसलेशन 100% समझ में आ जाएगा और आप इसी तरह के ट्रांसलेशन को इजिली यूज कर पाएंगे अपने स्पोकन इंग्लिश में। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप वन देखते हैं। टाइप वन में हमें जो यूज पढ़ना है वो है आई डोंट केयर या फिर इट डजेंट मैटर। इसका मतलब होता है कि मैं परवाह नहीं करता या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पहला ट्रांसलेशन था कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सेंटेंस को बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इट डजेंट मैटर टू मी, इट डजेंट मैटर टू मी, जिसका मतलब होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या मुझे कोई परवाह नहीं है। इट डजेंट मैटर टू मी। उसके बाद लगाते हैं हम वेदर। उसके बाद जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में और नॉट लगा देंगे। जैसे तुम मेरी बात मानो या ना मानो, वेदर यू बिलीव मी और नॉट, इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू बिलीव मी और नॉट, तुम मेरी बात मानो या ना मानो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सिंपल सा इसका फार्मूला है और फार्मूला बिल्कुल जो सिंपल है वो ये है कि इट डजेंट मैटर सबसे पहले लिखेंगे, इट डजेंट मैटर प्लस वेदर जोड़ेंगे और वेदर जोड़ने के बाद जो बाकी सेंटेंस बचेगा उसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और लास्ट में लिखेंगे और नॉट। ठीक, इसी सेंटेंस को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे आई डोंट केयर यानी मैं परवाह नहीं करता वेदर यू बिलीव मी और नॉट, कि तुम मेरा विश्वास करते हो, मेरी बात मानते हो या नहीं मानते हो। आई होप कि ये छोटा सा जो ट्रांसलेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल समझेंगे ताकि लिए आपके लिए और इजी हो जाए। जैसे तुम मेरी किताब लौटाए या ना लौटाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी इंग्लिश होती है इट डजेंट मैटर टू मी, इट डजेंट मैटर टू मी, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर यू रिटर्न माई बुक और नॉट, तुम मेरी किताब लौटाओ या फिर ना लौटाओ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तुम वह मेरी सहायता करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, इट डजेंट मैटर टू मी, या फिर इसकी जगह आप लिख सकते हैं आई डोंट केयर वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट, यानी वो मेरी मदद करता है या नहीं करता है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल इजी है ना। एक और ट्रांसलेशन समझते हैं। जितना ज्यादा ट्रांसलेशन समझेंगे आपके लिए उतना इजी होगा। रवि मुझसे बात करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर टू मी वेदर रवि टॉक्स टू मी और नॉट, इट डजेंट मैटर टू मी वेदर रवि टॉक्स टू मी और नॉट। एक और लास्ट एग्जाम्पल समझते हैं। तुम मुझसे अपने जन्मदिन पर बुलाओ या ना बुलाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर टू मी वेदर यू इनवाइट हिम, यानी तुम उसे बुलाओ ऑन योर बर्थडे, यानी अपने बर्थडे पर और नॉट या फिर नहीं, यानी तुम उसे अपने जन्मदिन पर बुलाओ या ना बुलाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल इजी है। हमें एक बात याद रखना है कि इसमें हमें इस्तेमाल करना है डजेंट मैटर टू मी या फिर आपको इस्तेमाल करना है आई डोंट केयर। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए अब टाइप टू की बात करते हैं। टाइप टू में जो हम यूज सीखने वाले हैं वो है नो मैटर वाट हैपन्स। इसका मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए नो मैटर व्हाट हैपन्स,
चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी सीख कर रहूँगा, इसको बनाएंगे तो हो जाएगा नो मैटर वॉट हैपन्स, यानी चाहे जो भी हो जाए कुछ भी हो जाए आई विल लर्न इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश सीख कर रहूँगा। इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले आपको लगाना है नो मैटर वॉट हैपन्स, नो मैटर वॉट हैपन्स, और उसके बाद का जो सेंटेंस है उसको बनाएंगे आप फ्यूचर इंडेफिनिट में या सिंपल फ्यूचर में, जिसमें आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल लगाते हैं, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक, एक और ट्रांसलेशन इसमें समझते हैं इस एग्जाम्पल को। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए कि इंग्लिश क्या होगी, नो मैटर वॉट हैपन्स, नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल नेवर फॉरगिव हिम, यानी मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। या फिर एक सेंटेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो इसको बोलेंगे नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल नॉट लिव विद यू, यानी मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगा। आई विल नॉट लिव विद यू नाउ, आई विल नॉट लिव विद यू नाउ, यानी नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल नॉट लिव विद यू नाउ। ओके, कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे चाहे कुछ भी हो जाए वह तुम्हारा समर्थन नहीं करेगा, वह तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेगा, तो बोलेंगे नो मैटर वॉट हैपन्स ही विल नेवर सपोर्ट यू, नो मैटर वॉट हैपन्स ही विल नेवर सपोर्ट यू। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे शक्ल दोबारा नहीं देखूंगा, इसको बोलेंगे नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल नॉट सी योर फेस अगेन, नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल नॉट सी योर फेस अगेन। आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अभी ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है जिसका टॉपिक नाउन लिखा हुआ है, ये वीडियो 15 अगस्त को आने वाली है, जिसमें हम कंप्लीट नाउन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें नाउन के काइंड्स, नंबर, जेंडर और केस की बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे नाउन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट रूल्स की, विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन और विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, खास करके SSC में। अगर आप इस प्रकार से इस वीडियो को देखेंगे तो फिर ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये वीडियो आने वाली है 15 अगस्त को, चैनल से जुड़े रहिएगा। और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। अगर इसको आप ट्रांसलेट करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना जो आंसर है उसको छोड़ते हैं, सो आई विल अनाउंस योर नेम इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।